नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि, आपका फ्रेंड। आज हम इस वीडियो में जानेंगे, छोटा सा वीडियो में, एडिटीए फाइल के बारे में। व्हाट इज एडिटीए ब्लड कलेक्शन? इन दिस वीडियो ऑल द डिटेल एडिटीए फाइल मोस्टली यूज लेबोरेटरी में इसका किया जाता है। लैब के अंदर ही मोस्टली यूज होता है। या ब्लड बैंक में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। प्लाज्मा को सुरक्षित रखने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग जानेंगे कौन कौन सा टेस्ट इस एडिटीए फाइल के अंदर जो है किया जाता है। ब्लड कलेक्शन करने के बाद कौन कौन सा जांच कर सकते हैं इस एडिटीए फाइल में रखने के बाद? पहला है CBC, दूसरा है एंटीबॉडी काउंट, और तीसरा है RH, और उसके बाद जो है ESR, उसके बाद जो है ब्लड को जो है क्रॉस मैचिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद जो है HbA1c, उसके बाद जो है HB जांच में भी इसका उपयोग किया जाता है, उसके बाद जो है रेटिकुलर साइट काउंट में भी इसका उपयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोसाइट काउंट में भी इसका जांच में उपयोग किया जाता है, थ्रोम्बोसाइट काउंट में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट काउंट में भी इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों। तो आज का जानकारी कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और भी लोगों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों।